कि इफ यू हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग अवर्स टुगेदर, इफ यू हैव लॉन्ग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल फॉर आवर्स टुगेदर, आपके मजल हार्ड हो जाते हैं। कई बार होता है ना, कुछ लोग काफी फीमेल होते हैं जो किचन में खड़े रहते हैं और खाना बनाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, 3 आवर्स 4 आवर्स कंटिन्यूअसली काम चल रहा है स्टैंडिंग पोजिशन पे, योर मजल विल बिकम वेरी हार्ड। एंड कई बार होता है एथलेटिक पीपल के लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वेयर एंड टेयर ऑफ मजल। वेरी सिंपल एक्सरसाइज कि जब भी मस्कुलर पेन आया, पैरों में दर्द आया, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे करेंगे गड़बड़ है। हैव वाइटामिन B12 डेफिशियंसी, इफ यू हैव वाइटामिन डी डेफिशियंसी, कैल्शियम डेफिशियंसी, दिस ऑल विल लीड टू मस्क्यूलर मजल क्रैम्प एंड वेयर एंड टेयर। हार्ड हो जाएगा आपका मजल पीछे का, क्रैम्प आएगा बार बार आपको। एंड डिहाइड्रेशन, अगर पानी अच्छे से नहीं पियोगे डिहाइड्रेट हो जाओगे। कई बार होता है ना, डॉक्टर डाइटोर दे देता है, लैसिक दे देता है और पानी निकलते जाता है शरीर में से, और कई बार पानी की कमी हो जाती है एंड देन यू विल गेट, बोलते हो ना गोला चढ़ गया, तो मजल में क्या होएगा, गोला चढ़ जाएगा, मजल क्रैम्प होएगा। तो क्या करना है हमको, इसको नीचे लेना है, फाइन, यू हैव टू मसाज इट, देन 1 2 3 पीछे से नीचे आएंगे, फिर साइड से नीचे आएंगे एंड देन 1 2 3 डन, एंड देन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करेंगे। बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, ये दो आपके छोटे जो उंगली हैं, ये आपके हाथ है और ये दो आपके पैर है, ये दो आपके हाथ है, ये दो आपके पैर है। क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है ना। ऐसे कर दोगे तो बाहर का हिस्सा हो गया, फर्स्ट जॉइंट, सेकेंड नी जॉइंट एंड थर्ड हिप जॉइंट। लेकिन जब आप हाथ को इस तरह रखते हो तो फर्स्ट जॉइंट इज रिलेटेड विथ योर फीट, सेकेंड जॉइंट योर काफ मजल एंड थर्ड जॉइंट योर थाई मजल। काफ मजल ठीक करेंगे ना।